आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सेंटीमीटर है, तो इसका आचरण क्या होगा। देखिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। अगर हम गोले की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक गोला है, इसको ये गोला है। इस गोले में सबसे पहले देखते हैं कि त्रिज्या दी गई होगी कुछ, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या रही होगी इसकी r। अगर इसकी त्रिज्या बराबर r रही है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका होता है, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है यहाँ पर 4πr का वर्ग। तो 4πr का वर्ग के बराबर हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 452 भी हमें दिया गया है वर्ग सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हमें आयतन निकालना है, आयतन बराबर किसके होता है, हम ये भी देख लेते हैं। आयतन बराबर हमारे पास होता है यहाँ पर कह सकते हैं 4/3πr, और इसका घन दिया गया, आर मतलब त्रिज्या हमने निकाल ली है। तो त्रिज्या है तो यहाँ पर हमें दिया गया है 4×π×r का वर्ग, और बराबर दिया गया है 452 के। अगर मैं यहाँ पर पाई और गुना आर का वर्ग निकालना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 452/4, तो 4 से कटेगा, तो 4×4, 4×4, 4×12, हमारे पास ये आ जाएगा 113। तो पाई की वैल्यू को भी हम इसमें रख सकते हैं, तो आर का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 113/π हमारे पास आ जाएगा आर के वर्ग का मान। और अगर मुझे आर का मान निकालना है तो आर का वर्ग हमारे पास आ जाएगा वर्ग मूल 113/π। आर का मान जैसे ही हमारे पास आता है तो हम कह सकते हैं कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इसका आयतन, और आयतन बराबर होता है 4/3πr³। यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, आयतन बराबर 4/3πr³, आयतन बराबर 4/3πr³। आर क्यूब हमारे पास कितना है, यहाँ पर दिया गया है वर्गमूल 113/π, और इसका घन हमें दिया गया है। इसका घन कैसे सोल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है हमें 4/3×π×, एक बार तो इसको जोगा तो लिख लेंगे, वर्गमूल 113/√π, और दूसरा हमारे पास हो जाएगा 113/π। अब पाई से तो पाई चला गया है, यहाँ पर वर्गमूल 113/, यहाँ पर पाई बचा हुआ है, इसका हमें मान लिखना पड़ेगा, गुना 4/3। तो बराबर हम कह सकते हैं कि 4/3 गुना हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वर्गमूल में 113/22 है, और गुना हम साफ कर देंगे ऊपर। और अगर ऐसा करते हैं तो ये बनेगा 4/3 गुना वर्गमूल में, हम इसको 11 से तो नहीं काट सकते ना ही 2 से काट सकते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर गुना करते हैं। तो 7×21 का 1 5 लगा 2, और 7×7 और 2 हमारे पास आ जाएगा 9, तो 7 हो जाएगा, तो 791 हो जाएगा, 791/22 इसको हम कह सकते हैं। या तो हमारा उत्तर यहाँ पर रुक सकता है, या इसको वर्गमूल से बाहर लेके आते हैं। वर्गमूल से बाहर लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा 4/3 गुना वर्गमूल में 791/22 बराबर हमारे पास आता है। तो 791 को 22 से भाग दे सकते हैं, और 22 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 35.9, 96 के आसपास आ जाएगा। 96 का मतलब अगर हम इसको 36 भी मानते हैं तो 36 का मतलब ये लगभग में हो जाएगा हमारा 4/3 गुना वर्गमूल 36, और वर्गमूल 36 कितना होता है, 4/3×6, और यहाँ पर हम इसको काटते हैं तो 3 बार जाता है, यानी 4×12 वर्ग सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। घन सेंटीमीटर, ये वर्ग में नहीं है, ये घन में, क्योंकि ये आयतन है, तो सेंटीमीटर घन इसका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर, घन सेंटीमीटर, ये इस प्रश्न का उत्तर रहा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।